दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा सा चैनल विवेक मिश्रा स्टडी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ, फिजिक्स का थर्ड पेपर स्टार्ट किया है हमने, ऑर्थो नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। ऑर्थो नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, हमारा चैप्टर चल रहा है। हमने सेकंड यूनिट से स्टार्ट किया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा लॉन्ग भी है, ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें। इसके बाद हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक मिश्रा और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्थो नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन के बारे में। तो लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं, लिखेंगे ऑर्थो नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन के बारे में बात करें। वेव फंक्शन हमने आपको बताया भी है, साई और साई स्टार। तो लिखेंगे द वेव फंक्शन साई, द वेव फंक्शन साई आई एंड साई जे, द वेव फंक्शन साई आई एंड साई जे आर सेट टू बी क्या कहलाते हैं? ऑर्थोगोनल फंक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल फंक्शन। ऑर्थोगोनल फंक्शन इफ इट फॉलो, इफ इट फॉलो गिवेन इक्वेशन, यह दिया है गिवेन इक्वेशन का को फॉलो करें। कौन सा इक्वेशन है? यदि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, साई आई स्टार इनटू साई जे डी टाउ इक्वल टू क्या आना चाहिए? जीरो आए, तब ये क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाते हैं, जहां पर i डज नॉट इक्वल टू जीरो। लिखेंगे वेयर i डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर i j के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसका प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रूफ। प्रूफ लिखेंगे इसका। तो चलिए देखते हैं प्रूफ इसका, देखते हैं। लेट ई आई एंड ई जे क्या है? आइगन वैल्यू। ई आई ई जे आइगन वैल्यू है एंड साई आई साई जे आर आइगन फंक्शन। साई आई और साई जे क्या है? वह आइगन फंक्शन है आपके क्वांटम सिस्टम, किसी क्वांटम सिस्टम का वह आइगन फंक्शन है। दोबारा लिख दिए थे द वन डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तब वन डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा? देन द वन डायमेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप लोग जानते हैं, माइनस एस बार स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू डी टू साई आई, एक बार आई लेंगे एक बार जे लेंगे, आई डी साई स्क्वायर प्लस वी साई आई इक्वल टू हम ई मानते हैं। क्या? आइगन वैल्यू ई आई इंटू साई आई, एक बार आई का फंक्शन लेते हैं, फिर हम वही सेम चीज रहेगा, जहां जहां आई है वहां वहां जे कर लेते हैं। एच बार स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू डी टू साई जे अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई जे इक्वल टू ई जे इंटू साई जे, ये आपको पहले भी बताया गया है, हल भी कराया गया है, तो वैल्यू आप लोग जानते हैं। इतना नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिए, लिख लिया यहां तक, बहुत बढ़िया। यहां तक हटा दें, लिखेंगे हेंस श्रोडिंगर इक्वेशन
कॉन्जुगेट। अब हम कॉन्जुगेट के लिए लेते हैं, किसके कॉन्जुगेट के लिए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। आप साई आई लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहां कर लीजिए, फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई आई देन साई आई विल बी। अब हम कॉन्जुगेट क्या लेते हैं, साई आई स्टार, जहां जहां साई आई वाले ले, जे वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आगे हम फार्मूला आप लोग बता रहे हैं। साई आई है जहां जहां साई है वहां वहां साई स्टार हो जाएगा, तब क्या होगा, माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू डी टू साई आई स्टार अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई आई स्टार इक्वल टू ई आई इंटू साई आई। इतना कंफर्म हुआ, इसको इक्वेशन नंबर हम बना देते हैं थर्ड। क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विथ, अब हम देखिए ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाइंग विथ साई आई स्टार इन इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में हम साई आई स्टार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, आगे हमारा फार्मूला इसी प्रकार बनता चलेगा। याद कर लीजिए कि ये वैल्यू हो गई साई आई और साई जे। अब इसमें क्या करें, साई आई के लिए हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रख लिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू में साई आई स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये क्या आएगा, माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू डी टू साई जे अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू क्या बचेगी यहां पर साई आई स्टार प्लस वी साई जी है ही इंटू किसे मल्टीप्लाई करेंगे साई आई स्टार, साई आई स्टार इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड में कर रहे हैं, सेकंड जे है साई आई स्टार ई जे इंटू साई जी इंटू साई आई स्टार। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, चलिए इसको इक्वेशन नंबर फोर बना लीजिए, कौन सा इक्वेशन नंबर फोर लिख लीजिए, यहां तक लिख लिए, बहुत अच्छा। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड में साई जे से गुणा करते हैं, क्योंकि इन दोनों को सिमिलर बना के हम कॉमन कर लेंगे, लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विथ साई जे इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या बना है, थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड में हम किससे गुणा करेंगे, साई जे से, साई जे से इसमें गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू साई जे क्या बचा है, इंटू है आगे पीछे कहां कहीं भी लिख सकते हैं आप लोग, डी टू साई आई स्टार अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बचा प्लस वी साई आई स्टार इंटू साई ऑफ साई जे से गुणा करेंगे इक्वल टू ई आई इंटू साई आई स्टार इंटू साई ऑफ इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर फाइव बना लेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं, अब इसके बाद कर रहे हैं हम लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर माइनस फाइव। अब फोर माइनस फाइव से अर्थात फोर में से फाइव को घटा रहे हैं, अब यहां से देखेंगे फोर में जब फाइव को घटाएंगे पहले हम लिख ही दे रहे हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान समझिएगा अभी वही इसका एडजस्टम ले रहे हैं इंटू साई आई स्टार प्लस वी साई ऑफ जे साई आई, हमने घटाया इसलिए क्योंकि इसको
ये इसका एलएचएस टर्म लिया क्योंकि इसको एक टर्म कटेगा, अब इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं, जब इसको घटाएंगे तो माइनस स्थान पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस एच बार स्क्वायर अपॉन हम फाइव में से फोर को भी घटा सकते थे वही आएगा साई ऑफ जे डी टू साई आई स्टार अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि घटा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हुआ ये माइनस होगा, वी साई आई स्टार इंटू साई ऑफ। अब इस साइड देखेंगे, अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, साई आई स्टार और साई जे कॉमन है, साई जे और साई आई स्टार तो कॉमन कर लेंगे, साई आई स्टार इंटू साई ऑफ जे क्या बचेगा, ई जे माइनस ई आई, ईजे माइनस ई आई। यहां पर देख रहे हैं ये टर्म माइनस है, ये टर्म प्लस में है, तो ये जीरो हो जाएगा। हम ऐसे काटते नहीं कभी, कभी जीरो मत काटना, हम यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेट करने के लिए इसको पास पास लाइए, उसको जीरो दिखाइए, वैसे जीरो दिखाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लिए, समझ में आ गया। चलिए अब हम ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ऊपर का मिटा रहे हैं, अब हमको सॉल्व करना है ये वाला इक्वेशन। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, यहां से h बार स्क्वायर अपॉन 2m, h बार स्क्वायर अपॉन 2m LCM है, हम LCM क्या लेते हैं, माइनस कॉमन है h बार स्क्वायर अपॉन 2m, ये जब माइनस वाला कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस टर्म बचेगा, क्या बचेगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं साई आई स्टार, क्या लिखेंगे, साई आई स्टार, साई आई स्टार, फिर ये बचा डी टू साई ऑफ जे अपान डी एक्स स्क्वायर, कितना टर्म बचा, अब ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए है तो प्लस माइनस माइनस होगा। अब ये भी एच आर अपान टू एम कॉमन ही हो गया है, क्या बचा साई ऑफ जे इंटू डी टू साई आई स्टार अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल में देखेंगे, इक्वल में हमारा वही रहेगा, अगर इसके साइन को हम चेंज करें ई आई माइनस आई जे करेंगे तो ये माइनस आगे कॉमन आएगा, तभी तो होगा ई आई माइनस ई जे साई आई स्टार इंटू साई ऑफ जे, माइनस इसलिए कॉमन किए यहां से यहां माइनस कट जाएगा, साई आई माइनस साई जे करेंगे तो ये माइनस टर्म बाहर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब एच बार अपान टू एम को इस साइड कर दीजिए आप लोग, यहां से निकालेंगे साई आई स्टार इंटू डी टू साई ऑफ जे अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस साई ऑफ जे डी टू साई आई स्टार अपान डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे, इसको जब इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये नीचे टर्म है ये ऊपर चला जाएगा इक्वल टू टू एम, और जब ये यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा एच बार स्क्वायर, यहाँ तो कोई किसी प्रॉब्लम नहीं, ई आई माइनस ई ऑफ जे साई आई स्टार इंटू साई ऑफ जे, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, कोई भी आपको अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिख डालिए। अब देखेंगे इसमें से कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे, क्यों, फार्मूला बनाने के लिए, इसमें अगर हम जोड़ दें जैसे इतना तो है ही साई आई स्टार डी टू साई ऑफ जे अपान डी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या जोड़ दें कि कुछ फार्मूला बन जाए, इसमें जोड़ेंगे हम डी साई आई स्टार अपान डी एक्स, देखेंगे डी साई आई स्टार अपान डी एक्स इंटू डी साई ऑफ जे अपान डी एक्स, इतना जोड़ेंगे इसमें डी साई ऑफ जे अपान डी एक्स, अगर इतना घटा दें मान में कोई दिक्कत नहीं हुई, जितना जोड़ेंगे उतना घटा देंगे कोई अंतर नहीं क्योंकि वो जीरो होता है। चल के अब यहां से आगे क्या है, इतना साई ऑफ जे हमने इतना लिखा, इतने इतने को जोड़ दिया और इतना ही घटा देंगे, कोई मान परिवर्तन आएगा नहीं आएगा, साई ऑफ जे
डी टू साई आई स्टार अपॉन डी एफ स्क्वायर। अब इतना ही घटा दीजिए माइनस। अब बात आपके मन में 100% आ रही होगी कि कैसे जानेंगे क्या जोड़ा जाएगा क्या घटाया जाएगा। 100% बता रहे हैं, आपके दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा। ये सवाल हर एक बच्चे के दिमाग में उठता है, कैसे जानेंगे कि ये जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा। दोस्तों ये फिजिक्स है, आप लोग ध्यान से रिवीजन कीजिए, दो बार चार बार इसको अगर रिपीट करेंगे, एक बार वीडियो समझ में नहीं आ रहा दोबारा पढ़िए, और दो बार चार बार आप लिखने के पश्चात ये प्रैक्टिस से होने वाला है, क्या जोड़ा जाएगा क्या घटाया जाएगा। प्रैक्टिस से आप प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, दो बार तीन बार पढ़ लेंगे आसानी से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा क्या जोड़ा जा रहा है क्या घटाया जा रहा है। इतना हमने घटा दिया, इक्वल टू सेम वैल्यू 2m अपॉन h बार स्क्वायर e i माइनस e j साई i स्टार इनटू साई j। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से देखेंगे किसका फॉर्मूला बन रहा है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला बनेगा d अपॉन dx किसका बनेगा, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा साई आई स्टार, यहां तो क्लियर। सेकंड का डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन इतना आता है डी साई जे अपान डी एक्स, अगर कर दें इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन होता है दोबारा करेंगे डी टू साई जे अपान डी एक्स स्क्वायर आएगा। सेम चीज, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन अर्थात ये इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं था, नोट यहां तक क्लियर। चलिए अब माइनस, अब ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये चीज माइनस जब कॉमन कर लेंगे यहां से माइनस बाहर जब हो जाएगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, कोई यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये फार्मूला बन रहा है साई ऑफ जे इनटू, अब कहा दूसरा फंक्शन क्या बना है डी साई आई स्टार अपॉन डी एक्स, डी साई आई स्टार अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला बन रहा है। दिखाएं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका d2 psi i स्टार अपॉन d स्क्वायर प्लस, ये माइनस कॉमन कर रहे हैं यहां से तो माइनस जब कॉमन होगा बीच में प्लस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, वही सेम चीज हम लिख रहे हैं। प्लस सेकंड फंक्शन d psi i स्टार अपॉन dx into फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d psi j अपॉन dx, फिर देख लेंगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, यहां पर हमने प्लस बताया, सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी जे का डिफरेंशिएशन करें डी जे अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बाहर वाला जो मान हमारा आ रहा है वही लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा टू यम अपॉन एच बार स्क्वायर ई आई माइनस ई जे साई आई स्टार इनटू साई जे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू हम हटाएं, ये वाली वैल्यू हटा दें, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। अब इंटीग्रेशन ले लीजिए, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन ले लीजिए, क्या ले लेंगे इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन लेंगे कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक, इंटीग्रेशन यहां कर लीजिए माइनस इनफाइनाइट, हम लिख नहीं रहे हैं मतलब आपको वैसे दिख रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स साई आई स्टार इंटू डी साई जे अपॉन डी एक्स माइनस। यहां पर क्या रहेगा, यह देखिए वैल्यू भूल गए हम, डी अपॉन डी एक्स रहेगा, यहां पर वैल्यू डी अपॉन डी एक्स रहेगा, तभी तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी अपॉन डी एक्स जब तक रहेगा नहीं, डी अपॉन डी एक्स या फिर डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, सॉरी बार बार एलसीएम निकल रहा है, डी अपॉन डी एक्स दोनों पक्षों में कॉमन ले लीजिए, यही बचा इतना, माइनस साई ऑफ जे डी साई स्टार अपॉन डी एक्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये वैल्यू हम लिख लीजिए, ठीक। अब जब इंटीग्रेशन लेते हैं डी एक्स,
dx का पेच इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर इतनी चीज क्या है, कांस्टेंट है, ये टर्म बाहर हो जाएगा 2m अपॉन h बार स्क्वायर ei माइनस, थोड़ा सा और बचा है बस। वीडियो भले ही हमारी थोड़ी सी लंबी जाती है लेकिन आप लोगों को समझ में आता होगा, अगर आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हमको मालूम चले आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, और नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है वो भी बताइएगा। ठीक, यहाँ तक जब इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, जब देखते हैं जब इंटीग्रेशन भी हो डिफ्रेंसिएशन भी हो, तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन एक दूसरे के विपक्ष होते हैं, दूसरे के उल्टे होते हैं, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन कट जाते हैं, बचता क्या हमारा वैल्यू, ये ऊपर वाला साई आई स्टार इंटू डी साई जे अपॉन डी एक्स माइनस साई जे डी साई आई स्टार अपॉन डी एक्स, इतनी वैल्यू बचेगी। कहां कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यहां पर देखिए, यहां पर डिफरेंशिएशन था पूरे फंक्शन का डी पॉन डी एक्स, और इधर इंटीग्रल भी था, इंटीग्रेशन दोनों कट के वैल्यू यही बच जाती है इक्वल टू, ये देखो यहाँ फिर भूल गए, ये स्टेप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि ये साई एक फंक्शन है, इक्वल टू ये 2m अपॉन h बार स्क्वायर ei माइनस ej, ये सेम वैल्यू रहेगी क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो है नहीं, साई आई इंटू साई जे, ये माइनस इनफाइनाइट थोड़ा और। ठीक, यहाँ तक पहले वैल्यू नोट कीजिए, यहाँ तक वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए dx भी रहेगा, साई आई स्टार इंटू साई क्योंकि हम इंटीग्रेशन करें, dx भी रहेगा, ये वैल्यू नोट हो गई। चलिए अब इसको मिटा दें, वीडियो को पुश किया कीजिए और नोट किया कीजिए। हमारी वैल्यू यही है, फॉर ए विल वी हैव फंक्शन, फॉर ए बेल सॉरी डब्ल्यू ई डबल बेल मतलब कुआं हो जाता है, वेल बिहेव्ड फंक्शन वार है, वेल बिहेव्ड फंक्शन, वेल बिहेव्ड फंक्शन हम जाते हैं व्हेन एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट होता है, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, वेल बिहेव्ड फंक्शन जब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट होगा देन साई इक्वल टू जीरो होगा, तब ये कंडीशन होती है जब x इक्वल टू प्लस माइनस इनफाइनाइट होता है तब साई इक्वल टू जीरो, जब साई इक्वल टू जीरो होगा तो डी साई बाई डी एक्स भी जीरो होगा, होगा या नहीं होगा, तो डी साई बाई डी एक्स यहां भी डी साई बाई डी, अब i और j वो आपका एक अलग डायमेंशन दिखाता है उससे नहीं मतलब, डी साई बाई डी एक्स यहां भी जीरो हो जाए जीरो, डी साई स्टार का गुणा करेंगे जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा जीरो में इसका गुणा करेंगे जीरो, अर्थात ये पूरा टर्म जीरो, हेंस ये टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, तब क्या बचेगा 2m अपॉन h बार स्क्वायर ei माइनस ej माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साई i स्टार इंटू साई j dx इक्वल टू जीरो, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जीरो। इफ हमें कंडीशन ऊपर ही दी गई थी, इफ यदि i डज नॉट इक्वल टू j, हमने ऊपर ही कंडीशन आपको बताई थी फर्स्ट में, देखिए i डज नॉट इक्वल टू j, जब i j के इक्वल नहीं होगा तब ei माइनस ej भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, does not equal to zero, ये भी तो एक आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू है जब i और j के इक्वल नहीं हो रहा है तब इनका जो सब्ट्रैक्ट होगा ये भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, कुछ वैल्यू आएगी, तब जब ये जीरो नहीं होगा इक्वल टू जीरो तब हम देयरफॉर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक साई आई स्टार इतनी वैल्यू इंटू साई ऑफ जे
dx इक्वल टू जीरो। विच इज लिख लेंगे, विच इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, लिख दें विच इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी नोट कर लीजिए फटाफट, यही हमें वैल्यू लानी थी। यहां से विल वी हैव फंक्शन x टेंड टू जब प्लस माइनस इनफाइनाइट होता है इसका मान जीरो रखना होता है, जब डी तब डेल अपॉन डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। यहां पर ये जीरो, ये टर्म आ गया जीरो। अब यहां पर दिखा रहा है चूंकि जब i डज नॉट इक्वल टू j, हमने शुरुआत में लिखा है तब ई आई और ई जे भी इक्वल नहीं होगा, तब हमारी टोटल वैल्यू ये वाली वैल्यू बचेगी। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल, तो इंतजार कीजिए बढ़िया से, इसको नोट कर लिए। चलिए अगर मेरा सजेशन मानो, अगर मेरा सजेशन मानो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। मेरा सजेशन अगर आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, मेरा सजेशन मानेंगे तो इस वीडियो को 24 मिनट है, 24 मिनट की जगह 25 मिनट की जगह 50 मिनट उसको दीजिए, लेकिन इस टॉपिक को कंफर्म करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले दो या तीन एप्लीकेशन हम आपको करवाएंगे, सात श्रोडिंगर वेव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो चुका, आइगन वैल्यू और आइगन थ्योरम भी कराएंगे, तो वहां आइगन थ्योरम है और आइगन थ्योरम तो हो गया है, आपको हम कराने वाले हैं आगे, आगे में मिलेगा इरनफिस्ट थ्योरम, आइगन वैल्यू आइगन थ्योरम बारे में बताते, इरनफिस्ट थ्योरम, ये तीन एप्लीकेशन और ये इरनफिस्ट थ्योरम 12 नंबर का फिक्स होता है, चाहे दो एप्लीकेशन आ जाए चाहे वह इरनफिस्ट थ्योरम आ जाए, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाए रहेंगे तो हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण दोस्तों, तब तक के लिए रिवीजन कीजिए, मेरी सलाह मानिए, तो एक बार फिर से वीडियो पुनः देखिए।